गेम में स्मोक्स नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट इसी बीच गॉडलाइक की टीम जंकयार्ड के वेयरहाउस को आके होल्ड करने वाले हैं। उनके चारों के चारों गाड़ी जो है पार्क आउट है। जी नहीं, वेयरहाउस में नहीं जा रहे, जोनाथन और भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक इज गोइंग फॉर द फैमिली हाउस मे बी, या फिर जाके जो ईस्टर्न वेयरहाउस है वहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं। जी हाँ, ईस्टर्न वेयरहाउस पे वो आते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और टीम थी हमने देखा था, एंड वो टीम रहने वाली है सोल की। गॉडलाइक वर्सेस सोल, ये फाइट विल इट हैपन, इज इट एविडेंट, वी डू नॉट नो। बट इसी बीच में देखिए, ओ जी गॉड, दैट वाज ब्रूटल, दैट वाज ब्रूटल। नॉकआउट मिल चुका है ऑलरेडी, क्लच गॉड ने यहाँ पर नियो को भी नॉकआउट कर दिया। टीम सोल के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, दो ही प्लेयर्स बचे हुए। गॉडलाइक के लिए ये फाइट लेना, दे टुक इट टू सोल्स होल्ड। एंड यहाँ देखिए टीम सोल अगर बचाना भी चाहते हैं ना, उनको एक नॉक या फिनिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। गॉबलिन दूर है, अक्षत भी दूर है, नियो को किया गया है कंफर्म, ओमेगा को भी फिनिश ऑफ किया जाता है। गॉबलिन एंड अक्षत अकेले दोनों प्लेयर्स बचे हुए टीम सोल की तरफ से। एंड गॉडलाइक दे फाउंड द अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पर चारों प्लेयर्स नहीं है, उसका फायदा उठाया, एंड इसके कारण टीम सोल के लिए खतरा इस मैच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एक गॉड सिर्फ नहीं चल रहा है, दूसरी ओर गॉड्स रेन भी फिनिश फीड में आप देख पा रहे हैं। वेरिटी को इस दौरान खत्म करती हुई नजर आई, कोई मौका ही नहीं दिया। निंजा जो टूट पड़े, दोनों के ऊपर फिनिश लिया, एंड उसके बाद उनके टीममेट्स ब्लेज और रॉबिन साथ देते हुए नजर आया। बट दूसरी ओर एटवेयर के खिलाड़ी अभी ओआर के ऊपर टूट पड़ना चाहते हैं। मैडमैन यहाँ पे एडमिनो को डाउन कर चुके, उनके जो सरप्राइज फैक्टर रहते हैं या फ्लैंकर रहता है उनको डाउन करके दिखा चुके हैं। दूसरी ओर टीम थमिलास, दे आर टेकिंग वन स्टेप फर्दर। गॉडलाइक जितने शोर किए ना, जहां पे जाके सोल को कंटेस्ट की थी वहीं पे जाके टीम तमिलास वांट टू कंटेस्ट गॉडलाइक, बट क्या उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा? देखिए दोनों टीम सर्कल के सेंटर में है, साथ में INS भी बहुत करीब आ चुके हैं। पीछे पीछे एनिग्मा फॉरएवर बहुत लेट खेलती हुई नजर आ रही है। बट इस बीच VST जो बीच में टारगेट बनी थी ना कैप्टन, दे हैव साइलेंस देमसेल्व्स एंड वो सर्कल के एजेस पे जाके रुक चुकी है। किसी को अंदाजा नहीं है उस स्क्वाड का, बट वेलोसिटी ऑन द अदर एंड जंकयार्ड के नजदीक रहने वाले, जहां पे मेडल के आखिरी दो खिलाड़ी रहने वाले, बट आपको यहां पे देखने के लिए मौका मिल रहा है। देयर कैन बी अनदर प्रोबेबल फाइट, टीम तमिलास वर्सेस गॉडलाइक। ये फाइट हमने रैंगल में भी देखने के लिए मौका मिला था, जहां पे दिक्कत दिया था गॉडलाइक ने टीम तमिलास को। And it was not enough for an entire team finish. It was not enough, but इसी बीच में गॉडजेन की टीम जो है वो फिलहाल के लिए तो फंसते हुए नजर आएंगे। वेल्टी के पंक ब्लेज को नॉक एंड फिनिश करते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए तो निंजा जॉट एक्वानॉक्स एंड नॉकआउट स्ट्रगल मिल चुका है फिलहाल के लिए मैडमैन के हाथों। एंड मैडमैन क्या वो फिनिशेस कन्वर्ट कर पाएंगे? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। गॉडरेन सीधा आ जाते हैं, इनके बिल्कुल पड़ोसी रहने वाले हैं टीम तमिलास एंड गॉडलाइक का जो फाइट चल रहा है। रॉबिन तैयार है, नेट को किया जा रहा है जरूर, एक्वानॉक्स के ऊपर थोड़ी सी डैमेज पड़ेगी, बट जी गॉड वो भी आ जाते हैं इसी फाइट में। एंड जी गॉड का मेन प्रायोरिटी यही रहना है कि कैसे वो बैक ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फाइट लेंगे मुश्किलें बहुत होगी। टीम तमिलास भी बैठी हुई है, एंड साथ ही साथ गॉडरेन भी पुश कर रही है। वो कंपाउंड कंट्रोल लेना चाहते हैं, कंपाउंड में जाके अपने साथियों के पहुंचना ही उनका अभी के लिए प्रायोरिटी नजर आ रहा है। और मैच को भी मैडमैन फिनिश ऑफ करते हुए नजर आएंगे अपने DBS के हाथों। एंड 8 बिट बीस्ट एडमिनो जो है क्लीन ऑफ करेंगे 8 बिट। इसी बीच में शायद से सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, ओआर दे हैव ओनली वन प्लेयर सर्वाइविंग, बहुत मुश्किल है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये स्लैम इन वेलोसिटी ने किया। ग्लैडिएटर्स का जो बात की, उन्होंने गलती किया कि उन्होंने चेक नहीं किया बाजू वाले बिल्डिंग में कोई खिलाड़ी रहेंगे। गाड़ी के ऊपर पर डैमेज नहीं पड़ रहा है, बच के निकल जाएंगे ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी। उनके सारे शॉट्स जो थे ना वो मसल उनका हेली पे था, बट फिलहाल के लिए तो ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी को जी गॉड नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे। ये ग्रेनेड, ये स्प्रे, सब कुछ फिलहाल के लिए फेवर में जा रहा है कॉर्डल का। एक और ग्रेनेड आएगा, एंड आई थिंक शायद से कंफर्मेशन भी आ जाएगा। यस, क्रिल्स को भी जीकॉर्ड ने कर दिया है कंफर्म, एंड जोनाथन ने इमॉर्टल को नॉकआउट निकाल लिया है। एक मॉली, एक सही पर पूरा गेम गॉडलाइक के फेवर में ला सकता है। 9 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी, टॉप 9 हासिल कर चुके हैं। मॉली जाके गिरा है, बट आई डोंट थिंक वो कहर जगह पे रहेगा, जाएगा वो इमबोट कंफर्म हो जाता है। इसी बीच में ऑटोबॉट जी का सिर्फ एक ही फिनिश पॉइंट था जो उनको मिलने वाला है। इमॉर्टल नॉक्ड आउट है, पंक अकेले बचे हुए हैं। गॉडलाइक का जो ये स्प्लिट है ना, सबको परेशान कर रहे, बिकॉज हर एंगल हर जगह पे प्लेयर्स उन्होंने तैनात करके रखा है। बट जोनाथन को यहां पर नॉकआउट कर दिया फिलहाल के लिए सही हमने। अक्षत नॉक एंड फिनिश हो जाते हैं व्हीकल एक्सप्लोजन से, ब्लिन को कंफर्म किया जाता है मेडल स्पोर्ट्स के द्वारा, जो बहुत टाइम से दो कैजुअलिटीज लेके चल रहे थे। सोल गेट्स एलिमिनेटेड इन 9th पोजीशन, उनके पास कोई भी प्लेसमेंट पॉइंट रहे नहीं रहेगा। हार्ड ब्रेक फॉर देयर टीम सोल, क्या इसके कारण थर्ड चार्ट पे नीचे आ जाएंगे? बिकॉज़ दे वर नॉट इन अ वेरी गुड स्पॉट इवन दो दे वर ऑन द सेकंड शीट। देखिए अभी के लिए जो सैयम ने ओपनिंग दिया था जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा खुश रहेंगे, बट जोनाथन गेटिंग नॉक्ड आउट अगेन, ये ओपनिंग्स कहीं ना कहीं ब्रीदिंग स्पेस वेलोसिटी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड सैयम
ही स्टिल ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड एंड मेकिंग श्योर कि गॉडलाइक जो चांस ढूंढ रही है यहाँ पे एक एंटायर टीम स्वीप का, वो मौका नहीं देना चाहते. बट बात करेंगे जो सर्कल है ना, इनसे दूर जा चुके हैं. सो गॉडलाइक नीड टू टेक एक्टिव एडवांटेज इन दिस फाइट. अगर इस फाइट को अब यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करेंगे वरना उनको भागने में मुश्किल हो जाएगा. एंड दैट्स द रीजन दे ट्राइंग टू पुश अप. दूसरी ओर सायम अभी थोड़ा प्रोन डाउन होकर स्मोक्स डिप्लॉय करके थोड़ा टाइम बाय करना चाहते हैं. इसी दौरान गॉडलाइक के पीछे एक और टीम आ जाती है. अभी का जो ये मैच चल रहा है ना, क्योंकि इस जगह पे फाइट इतने टाइम से चल रही है, इट्स बेसिकली लाइक गॉडलाइक वर्सेस एवरीवन एल्स. सब आ रहे हैं, सब फाइट दे रहे हैं एंड गॉडलाइक पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं. जोनाथन ही इज हील्ड अप, ही स्टिल हैज टू फर्स्ट टू वर्क विद एंड उनको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली भी बात नहीं. बट इनका दूसरा नॉकआउट ऑलरेडी हो चुका है तो ब्लीड आउट टाइम ज्यादा रहेगा. बस विंडो पे चढ़ के बैठे हुए अगर उन्होंने सयम का पोजीशन डिटेक्ट कर लिया है ना तो ये गेम बदल सकता है. पूरा नेट कुक कर रहे हैं. जी नहीं, नेट को कैंसिल आउट किया, बस वहां पर इंटेल दिया है जरूर. एक ग्रेनेड आता है सयम की तरफ से. जोनाथन वापस से कवर में आ जाएंगे इसी बीच में. ये फाइट से कोई भी बैकअप नहीं करना चाहते वीएलटी की टीम. दे टू दे स्मार्ट डिसीजन, वो जोन में आगे बढ़ना चाहेंगे जरूर. बट यहां पर चाइनाइजी उतार दिया है जोनाथन ने. उनको बूस्ट इसीलिए कर रहे थे जोनाथन बिकॉज़ उनको पता है जोन में लेट रह जाएंगे एंड उनको ब्रेक पॉइंट मिलेगा. तो उनको भी नॉकआउट कर दिया है. मतलब वीएलटी से सिर्फ एक ही प्लेयर बचे हुए हैं जो रहने वाले इमॉर्टल डीबीएस से पड़ा है. फटका यहां पर नॉक किया गया जोनाथन को. उनकी बाकी टीम हाउएवर क्या वो जोन तक पहुंच पाएंगे? क्लच गॉड ऑलरेडी निकल चुके हैं. जोनाथन नॉकआउट, शैडो फिनिश ऑफ हो चुके हैं. तो जी गॉड एंड क्लच गॉड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. जो इतने मेहनत है उसका फल क्या मिलने वाला है? क्लच गॉड उनको सर्वाइव करना पड़ेगा. अगर गाड़ी खाल से फटी ही विल गेट एलिमिनेटेड. बट जी नहीं, वो खुद ही फटा फोड़ देते हैं उसको. कि रिस्क नहीं लेना यार, वो कवर से खेल पाएंगे. बट इसी बीच में स्ट्राइकर एफटीडब्ल्यू नॉकआउट हो जाते हैं प्ले जोन से, खत्म भी हो जाएंगे. यस टीम तमिलास एलिमिनेट हो जाती है. जी गॉड जोन के बाहर से ही आने की कोशिश कर रहे थे, आ नहीं पाए. बहुत बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन ये क्लच गॉड लाला के लिए रहने वाला है. बट आई थिंक क्या गॉड लाइक एलिमिनेट हो गए या फिर अभी भी क्लच गॉड बचे हुए हैं, वही देखने वाली बात है. बट दे हैव 13 टोटल फिनिशेस एज ऑफ नाउ. सेंसेई रेवेनेंट की तरफ से पूरी टीम को सरवाइव करवा चुके हैं. ये ऑलरेडी पूरी टीम के साथ ही ये बचे हुए हैं. इनके पास भी टोटल जो है 7 फिनिशेस है, 14 फिनिशेस है गॉडलाइक के पास. दिस इज सो फार देयर बिगेस्ट गेम इन द टूर्नामेंट. जी हां, एंड अभी भी देखिए इनके पास प्लेसमेंट पॉइंट्स भी मिलने वाला है. एंड क्लच गॉड अगर थोड़ी देर के लिए साइलेंस ऑफ हो जाएंगे ना, आई थिंक यहां पे टॉप 3 में आने के लिए मौका मिलेगा. 6 से 5 पॉइंट लेने के लिए मौका मिल जाएगा. एंड दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू डू. बट रेवेनेंट क्या ही शानदार सर्कल के अंदर इन्होंने कंट्रोल लिया था. ये अगर चाहते थे तो सीधा जब गॉडलाइक के अगेंस्ट इतने सारे टीम्स टूट पड़ रही थी, ये भी टूट पड़ सकती थी. बट डिसाइडेड कि सर्कल के अंदर जाएंगे, सर्कल का कंट्रोल लेंगे, जिसकी वजह से हर एक टीम जो भी सर्कल के अंदर आना चाहती है तकलीफ पहुंचा रही है. बट ऑन द अदर एंड उनके ऊपर भी रिटेलिएशन आ रहा है क्योंकि हर एक डायरेक्शन से टीम्स है तो गेट कीप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे. वापसी जाएंगे, अपने आप को पैचअप करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे अगले आने वाले फाइट्स में. देखिए वही हो रहा है अभी के लिए. बट पूरा सर्कल का कंट्रोल रेवेनेंट अपने नाम लेके चल रही है. एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात भी हो सकती है खुद के लिए या बाकी सारी टीम्स के लिए. जरूर, बट रेवेनेंट 7 फिनिश पॉइंट्स उनके पास है. 4 प्लेयर्स बचे हुए. दिस कैन बी अ चिकन डिनर कमिंग इन फॉर देम. अगर 10 एंड 10 वो दोनों निकाल लेते हैं देन इनके लिए बहुत बड़ा मैच रहेगा 20 पॉइंट्स का. और इसी बीच में मैक्स कश आ जाते हैं पीछे. उन्होंने जरूर चेक नहीं किया, वहां पर से शॉट्स पड़े एंड बीएसटी की टीम उन्होंने जरूर कैजुअलिटी दी थी, वो भी बचे हुए. बट बीएसटी को क्लच गॉड एलिमिनेट करते हैं एंड क्लच गॉड को पीछे से जाके मेटल ईस्पोर्ट्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. अनबिलीवेबल गेम कमिंग इन फ्रॉम मेटल ईस्पोर्ट्स. पोचिंग के ऊपर ही सर्कल रहने वाले. गमला बॉय को नॉकआउट किया गया है. एक्सपाक को मिला है ओपनिंग. सारंग को भेजा था ऑफ एंगल पे कि वो पीछे से जाए, बैक स्टैप करने की कोशिश करे, ओपनिंग फ्रैग निकाले एंड वो ओपनिंग उनको मिला है. एक्सपाक के खिलाड़ी एक के बाद एक धीरे धीरे करके क्लोज इन करे. उनको पता है ये ओपनिंग का पूरा फायदा अगर वो नहीं उठा पाए तब वापस से उसी कोल्ड वॉर में उनको बैकआउट करना पड़ेगा. इसमें वो वापस नहीं जाना चाहेंगे. सीक्रेट नेट का इस्तेमाल कर जरूर रहे बट कुछ खास डैमेज उसमें होगा नहीं बिकॉज उसी जगह पे प्लेयर थी नहीं. ट्रॉय गए हैं गामला बॉय को यहाँ पे रिवाइव करने के लिए. बट उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सोमराज दूसरे एंड पे रहेंगे. सीक्रेट एंड सोमराज का एक क्रॉस फायर सेटअप भी यहाँ पे बनाने की कोशिश में है. वो अगर वो सक्सेसफुल होता है एक्सपाक के लिए मुश्किल हो सकती है. आदित्य को नीड से नॉकआउट किया जाएगा. सोमराज का ऑन पॉइंट नीड मुश्किलों में डालता हुआ एक्सपाक को. पता है रिवाइवल जरूर हो गया. पुकार ने भी एक नेट डाला है जिससे सीक्रेट को फिलहाल के लिए नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है. आदित्य को रिवाइवल देना क्या एक प्रायोरिटी लेंगे, वही बड़ा सवाल है. एक्सपाक एक और ग्रेनेड को कर रहे हैं. आई थिंक प्रो एंड गमला बॉय दोनों का पोजीशन पता है. फिलहाल के लिए ग्रेनेड सही जगह पे जाना भी इंपॉर्टेंट है. ग्रेनेड गया जरूर बट आदित्य को रिवाइवल देना आसान नहीं रहने वाला है. स्काउट जो कि इंतजार कर रहे थे
वो भी आधे के साथ ही बचे हैं, फ्री एंगल में ही दिया जाएगा। ट्रॉय को नॉकआउट मिल भी जाता है फिलहाल के लिए तो, एंड अकेले यहाँ पर गमला बॉय और कॉमरेड्स के ऊपर प्रेशर आने वाला है, देखते हैं क्या कर पाएंगे। स्काउट ऊपर चढ़ जाते हैं फिलहाल के लिए, रुकेंगे नहीं, एक स्मोक डाल देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा कवर मिल जाए। हीलिंग के नाम पे उनके पास सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक ही रहने वाला है। उबे के हो जाते हैं विस्गॉड के हाथ में नॉकआउट, गमला बॉय को पीछे से सोल का थर्ड पार्टी आ जाता है इसी बीच में, एंड ये नॉकआउट बहुत वैल्यूएबल होगा। गॉब्लिन का ग्रेनेड आदित्य को भी नॉकआउट करेगा, सोल ये थर्ड पार्टी से फिनिशेस एक के बाद एक बटोरने में ही इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। सारंग के ऊपर पुश करने के लिए तैयार, गॉब्लिन के साथ ही यहां पर रहने वाले उनके साथ किया गया है नॉक और किया जाएगा कंफर्म। गॉब्लिन गए, दो फिनिश पॉइंट्स अपने नाम लिया, हेक्टर भी उनके साथ मौजूद, और यहां से वीएसटी की टीम जो है धीरे धीरे करके देखिए नॉक्ड आउट प्लेयर्स ना बैक ऑफ कर गए। लेकिन अगर मिनी मैप फॉलो कर रहे तो अक्षत को ये आइडिया लग चुका है कि भाई कोई तो है क्लोज रेंज पे। What was that angle getting held down? And ये angle से भी नहीं बच पाए, गमला बॉय को किया जाएगा कन्फर्म। और इसी के साथ अकेले एक प्लेयर बचे हुए सोमराज, एक्सपाक की तरह से however, स्काउट एंड पुकार दोनों बचे हुए हैं, बैक ऑफ कर जाना बहुत बहुत जो है कॉमराज कितनी देर तक कर पाएंगे भैया सवाल। हेक्टर पुश करने के लिए जरूर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं, ग्रेनेड भी कुक किया जा रहा है, ग्रेनेड सही जगह पे पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों तरफ से प्रेस डील किया जाता है, ग्रेनेड गया है, ग्रेनेड पड़ा है जरूर, बट कोशिश देखिए अच्छी की थी सोमराज ने, एक नॉकआउट भी जरूर उन्होंने निकाला था और हेक्टर सर्वाइव करवा लेंगे उनके साथी को। ओआर के साथ ब्लाइंड का अगला फाइट होने के काफी चांसेस रहेंगे, पोटैटो हिल का कंट्रोल है होना शुरू होगा, ब्लू जोन के साथ एंट्री लेने का डिसीजन अगर वो लेते इट वुड बी गुड, बट फिलहाल ब्लाइंड के मानिया सामने टीम सोल के खिलाड़ी पोचिंग के हेल में कंटेस्ट होगा, मानिया नॉकआउट करेंगे, अनएक्सपेक्टेड पोजीशन था, पीछे से बैक ऑफ भी आएगा यहां पे ब्लाइंड मानिया के लिए। देखिए जो नेड्स अभी आएंगे ब्लाइंड की तरफ से वो सोल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एंड इंस्टेंट फिनिश ऑफ किया जाएगा टीम सोल के लिए, बहुत बड़ा खतरा, हेक्टर भी नॉकआउट हो गए थे एंड उनको भी खत्म किया गया है, ओमेगा अकेले बचे हुए हैं, सच अ वंडरफुल स्टार्ट बट टीम सोल इज गोना बी अ हार्ट ब्रेकर इन दिस पोजीशन। मानिया ये तीनों जब तक सर्वाइव कर रहे हैं ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ओमेगा जो सोलो प्लेयर टीम सोल की तरफ से सर्वाइव कर रहे थे वो भी अभी बने हुए हैं एंड वो थोड़ा सा यू नो पैसिव मोड में खेल रहे हैं, उनको पता है अभी ओवरकमिट करने का कोई फायदा नहीं है, प्लेसमेंट्स के लिए खेलना पड़ेगा, एक आध फिनिश पॉइंट्स मिल गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी बीच अगर एक सप्रेसर मिल जाए इस सिचुएशन में, मान लीजिए अगर एसएमजी पे उनका एक सप्रेसर लग गया जो कि उनके पास है नहीं एसएमजी, तब जाके ना वो फिनिश पॉइंट्स और आसानी से ले पाते, अभी के लिए तो फ्लैश हाइडर लगा हुआ है M4 पे एंड AKM पे लगा हुआ है कॉम्पेंसेटर, तो इसके साथ आई डोंट थिंक वो फिनिश स्टील के लिए भी जाएंगे, मोस्टली प्लेसमेंट्स के लिए खेलेंगे, चिकन डिनर निकालने की कोशिश कर सकते हैं ओमेगा चाहे तो, बट बहुत स्मार्ट गेम उनको खेलना पड़ेगा। ब्लाइंड सिर्फ सर्वाइविंग विद 3 प्लेयर्स, उनके पास डिसेंट नंबर ऑफ फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 फिनिश पॉइंट्स कम नहीं होता है इस गेम में आके, इस स्टेज में आके, अगर आप सेमीफाइनल्स में आके 6 फिनिशेस निकाले दैट्स वेल एंड गुड, बट ओमेगा वेट कर रहे हैं। ओ देख लिया रॉनी सॉ हिम, वो वॉल में कूदने से पहले ही देखिए उनको दिख गए थे, इसीलिए जो है एलिमिनेट किया गया। एक्सपा के स्काउट को भी फिलहाल के लिए कंफर्म किया जाता है। एक तो ये सर्कल वेस्टर्न साइड पे शिफ्ट किया है, जो टीम सेंटर में थी ईस्टर्न साइड में थी उनको तो रोटेट करना है, बट जो टीम सेंटर में थी उनके पास प्रिविलेज रहेगा कि वो आराम से जाके वो लॉस लेवेस के कंपाउंड्स पकड़ सकते हैं, एंड जब हम कंपाउंड फाइट्स की बात करते हैं तो आपको पता है एक बिल्डिंग में ही तीन स्क्वाड कभी कभी होल्ड करते हुए नजर आते हैं, बट इन द मीनवाइल मानिया को नॉकआउट किया गया पंक के द्वारा, बस पाई ओपी उसका कंफर्मेशन निकालेंगे। स्पार्क फीलिंग बेटर, क्या ज्यादा यहाँ पे और मौका मिल सकता है, अभी के लिए सिर्फ डैमेज ही कर पा रहे हैं एक एज पे फंसे हुए, सामने एक स्क्वाड है, पिछले बार इट वाज नन अदर देन INS, इस बार दूसरी स्क्वाड उनके सामने जरूर रहने वाले, उसका फायदा देखेंगे क्या ले पाएंगे। अभी के लिए सर्कल के इसमें जनरल स्पाइक भी कॉल है, स्पाइक के अंदर ऊपर की नजर आ रही है, इट इज अगेंस्ट एक स्क्वाड, ये आपको रोटेशन में जब लेट होते हैं ना ऐसे फाइट्स में फंसते हुए नजर आते हैं, बट गॉड लाइक अंडरस्टैंडिंग की हिल का एडवांटेज का उनको नहीं मिल रहा है, बट फाइनली स्मोक के थ्रू शैडो ने स्पॉट आउट कर चुका था, बट रीलोड के वजह से ही कुड नॉट डू मच, सारंग भाग के निकल रहे, क्या कनेक्शन मिलेगा, जी हां बेस्ट रीच कनेक्शन,
हेड शॉट लगाते हुए। अभी के लिए तो आई थिंक फिनिश भी निकलना चाहिए सारंग का, क्योंकि वो ओपन में फंसे हुए। एग्जैक्टली, एंड इसके साथ साथ गौटाई की बात करें, जोनाथन को स्पॉट किया गया पीछे से। आपको पूरा साइड क्लियर आउट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए सारे साइड क्लियर है कि नहीं। ज़ीगॉर्ड, उनको इंटेल मिल चुके, बट ज़ीगॉर्ड को भी हल्का फुल्का डैमेज मिलेगा। शैडो को आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो वो पोजीशन की बट शैडो को स्पॉट आउट किया, जोनाथन को फिनिश आउट करने की कोशिश है। एंड उसके साथ साथ पुकार ओवर पीक दे चुके हैं। आप ये गलतियां नहीं कर सकते, आप ओवर पीक कैसे दे रहे। शैडो को नॉकआउट किया गया, फिनिश ऑफ किया जाएगा आदित्य के द्वारा। अर्ली कैजुअलिटीज वापस से कंटिन्यू होते हुए गॉड लाइक के लिए। ज़ीगॉर्ड की बात करें, जोनाथन का रिवाइवल कोशिश कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। उनको पता चल चुके ऊपर आदित्य मौजूद है, स्मोक पाथ बना के आगे बढ़ जरूर है। नेट पिन आउट करेंगे, क्लच गॉड के पास अच्छा मौका है। ये कनेक्शन अगर निकला ये मुश्किल में डाल सकते हैं, बट ओवरकुक नेट हो गया था यहाँ पे क्लच गॉड की तरफ से। एक अच्छा कुक्ड, एक अच्छा टाइमिंग वाला नेट की जरूरत है यहाँ पे क्लच गॉड को। बट यही है, ये नेट हल्का सा स्प्लैश डैमेज देगा। क्लच गॉड इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट दैट ब्रेक थ्रू, बट ये ब्रेक थ्रू आदित्य मिस नहीं करेंगे। रुकने नहीं वाले, ज़ीगॉर्ड जरूर रिवाइवल दे सकते हैं, बट अभी कवर भी दे रहा है टीममेट को बचाने के लिए। स्प्रे डाउन कर रहे हैं कि पेड़ के थ्रू जाएगा तो जाने दो उस गोली को, बट अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। क्लच गॉड वापसी आ जाएंगे, आई थिंक ही शुड बी एबल टू गेट हिमसेल्फ इन अ ग्रेट पोजीशन। बट आदित्य स्विंग आउट करेंगे उस फिनिश के भूख में, बट मौका नहीं देना चाहते। वो खुद रिस्मोक करके ज़ीगॉर्ड को फंसाते हुए ग्रेनेड आएगा। ज़ीगॉर्ड भी बैली सर्वाइव कर रहे हैं। अभी सारा जो जिम्मेदारी है जोनाथन के ऊपर आएगा, क्योंकि ज़ीगॉर्ड अपने आप को पैच करते हुए एंड एक्स्ट्रा के खिलाड़ी पुश करते हुए आदित्य। अभी ज़ीगॉर्ड फंसे हुए, आखिरी खिलाड़ी वो भी खत्म करके एक्स्पार्क कमिंग इन विद फोर बिग फिनिशेस गॉड लाइक का खत्म करके दिखा देगी। पहला फ्रैग गॉड लाइक को मिला था, उसके बावजूद द एंटायर प्ले वाज टिल्टेड बाय टीम एक्सपार्क, एंड दांत देनी पड़ेगी इस कोऑर्डिनेटिव फाइट की। हाँ, वहां पे पुकार ने हल्का सा गलती किया, जो शायद से नॉक्स डाउन हो चुके हैं, उनको बचाना चाहते हैं रॉबिन, बट इट्स गोना बी टू डिफिकल्ट बिकॉज़ ये आखिरी फ्यू सर्कल्स है, तो जोन डैमेज बहुत ही ज्यादा रहने वाला है। देखिए ब्लेज भी डाउन हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक कॉल आ जाएगा एक्रोनॉक्स। आई डोंट थिंक वी कैन सेव यू, ब्लेज को एटलीस्ट ट्राई करेंगे। ऑटोमेट जैसे रोटेट कर रहे थे, मूव कर रहे थे, यहाँ पे गए आगे डाउन किया, बट काउंटर स्प्रे आया जिसके वजह से गॉडसेन के एक और खिलाड़ी डाउन होते हुए ट्राई कर रहे, बट इसी दौरान ग्लैडिएटर्स भी डेल्टा के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। आई मीन ग्लैडिएटर्स यहाँ पे ऑटोबॉट्स के ऊपर टूट पड़ रहे थे, बट प्लेयर्स ऑन फाइनली फाइंडिंग द एलिमिनेशन ऑफ गॉड्स रेन अनफॉर्चुनेट, अपने टीम को बचाने के फंस गए, एंड इसी दौरान एक्सपार्क के खिलाड़ी भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सर्कल का शिफ्ट आएगा इंपॉर्टेंट, ये फाइट की बात करें ओबे के शैडो का नेट गोबलिन को बहुत पिक्सल एचपी पे एक्चुअली छोड़ता हुआ नजर आया है। टीम सोल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, ये नेट जो गया है अगर ये अंदर जाता गोबलिन पक्का नॉक होता है, वो जाएगा, बट इस बार अक्षत नॉक होते हुए नजर आया है। शैडो के लिए ये ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तरफ बढ़ सकते, बट एश को यहाँ गिर के नॉकआउट होते नजर आएंगे। हेक्टर को नॉकआउट किया गया ओबे के द्वारा, टीम सोल वापस मुश्किलों में नजर आएंगे, बट गोबलिन का ये प्री नेट शैडो को टेक डाउन करता हुआ नजर आएगा। बट ये लालच बुरी बला होती है गोब्लिन, एंड यही गलती आप यहां करते हुए नजर आए हैं। फिनिश करने आए थे, नॉकआउट किया गया पीछे से, कवर आया जरूर ओमेगा का, बट कितना ही ज्यादा पुल ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने भी यहां पे स्पाई मौजूद है, मोलोटोव का शिकार बनेंगे टीम सोल। 14 पैदान पे एलिमिनेट होंगे, एक स्पार्क यहाँ पे ब्लाइंड के अगेंस्ट वापस भिड़ते हुए नजर आएंगे, एक के बाद एक प्लेयर्स नॉकआउट होते हुए। तीन प्लेयर्स का लॉस हम कह सकते हैं हो चुका है। स्काउट आखिरी खिलाड़ी पोजीशन रिवील ना ही करे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, यहां से वापस निकल जाना सही टाइम से उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, वही चीज करेंगे भी। बट टीम सोल वापस से एक ट्रैजिक एलिमिनेशन का शिकार बनते हुए, द थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट फॉर द ओजीज। लेकिन इनके पास डिसीजन था कल, तो चलो यहाँ पे रैंगटन की तरफ से हो जाएगा सर्कल में 10 टीम 24 खिलाड़ी बचे। टीम का विलास का एलिमिनेशन जरूर से थोड़ा सा राहत की सांस दिला सकते हैं बाकी टीम्स के लिए जो उनके कंटेस्ट में है। एक्सपार्क की बात करें, स्काउट द मैन हु कैन बी द लेजेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अपने टीम के लिए पूरा गेम घुमा सकते हैं अगर वो आखिर तक बच पाते हैं तो। मवी फिनिश ऑफ किए जाएंगे ब्लाइंड रॉनी के द्वारा, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे रेवेनेंट के खिलाड़ी ये परेशान करेंगे। एमजे का नेड आएगा स्काउट के साथ साथ, एक्सपार्क का एलिमिनेशन 10वें पैदान पे होता हुआ रहने वाला है। बट वाह, और पूल जनरली हम इनको नॉर्थ की तरफ देखते हैं, देखेंगे कि वहीं पे बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गॉड लाइक दे हैव काइंड ऑफ टेकन अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉज जहां पे वो उतरे थे, सर्कल के एज पे रहने वाले हैं, बट वहां पे उनको दिक्कत देने वाली बाकी टीम्स रह सकती है। आई होप इट डजंट हैपन, ऑटोबॉट्स उनके बहुत नजदीक रहने वाले हैं। रेवेनेंट के खिलाड़ी अगर बात करेंगे, सेफ एंड साउंड अभी के लिए मिल्टा के नजदीक रहने वाले, बट ऑलरेडी ड्रॉप पे पहुंच के लूट करती हुई नजर आएगी इन मिल्टा पावर।
सोल ऑफ द ईयर एंड अर्ली गेम में यहाँ पे फाइट लेते हुए ऑलरेडी दलजीत को तकलीफ में लेके आ चुके हैं। नेक्सस के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, गॉब्लिन फ्लैंक करके आगे जाना चाहते थे बट वो हेस्टैग को नहीं देखे, गाड़ी वहां पे जरूर चढ़ गया बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट क्योंकि उनको एक सेफ कवर जरूर मिलने वाला है, स्प्रे करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। बट अभी भी गाड़ी को निकालना चाहते हैं बट उस डायरेक्शन में निकल ले रहा है वो सीधा जाने की वजह से। कॉम्पिटिशन ये दोनों फैन फेवरेट टीम्स में अलग ही चल रहा है, अलग ही लेवल का चल रहा है, उसी जगह पे ये दोनों ने ही अर्ली फ्रैग्स निकाले, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, दैट्स गुड फॉर देम। बट इवेंचुअली हम बात करते करें यहाँ हील कर लेना उनके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि देखिए सर्किल के अंदर आपके लिए क्या इंतजार कर रहा है वो आपको भी नहीं पता है। ओआर वर्सेस कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये हिल टॉप का फाइट, एवरेस्ट का फाइट जो है ये लेना चाहते हैं दोनों ही टीम्स। ओआर वो चाहते हैं हिल ले ले, गॉडलाइक को हिल नहीं छोड़ना चाहते हैं। जल्दी एक और ग्रेनेड को कर रहे, एक सटीक ग्रेनेड अगर कनेक्शन बन जाता है काफी बढ़िया रहेगा। शैडो ग्रेनेड डालते हैं जरूर, शैडो के ऊपर दो नेट आने वाले, बैक ऑफ कर जाएंगे। शैडो का ग्रेनेड हल्का सा ही डैमेज करेगा जरूर बट उससे भी कुछ खासा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। राइट हैंड साइड फ्लैंक पे शैडो ऑलरेडी आई थिंक डिलीट कर चुके हैं तो दूसरे भी एडमिनो को शॉट्स पड़ रहे हैं। सो यहां से जो है कल्जगार्ड का बेहतरीन कवर आ रहा है, बेहतरीन कवर आ रहा है कि कोई कुछ नहीं कर पाए। वही इंटेल जो है रिले किया गया था शैडो को जिसके कारण वो राइट हैंड साइड जो है चेक करने गए थे। जॉनसन की शॉट्स पर ग्रेनेड डाला गया, जॉनसन का नॉकआउट मिल चुका है ऑलरेडी। चली का ये एग्रेसिव प्ले बहुत फायदा दिला सकता है फिलहाल के लिए ओआर की टीम को, गॉड लाइक के लिए खतरा बन रहा है। जेली कर चुका है हील अप, आगे आएंगे जरूर, जीगॉट कवर ले राउंड करने के लिए तैयार है। नेड्स और अवेलेबल है नहीं तो पुश तो करना ही पड़ेगा। ओआर अगर इस हिल को पाना चाहते हैं अपने कंट्रोल में बट क्या उनको मिलेगा? जीगॉट राइट हैंड साइड फ्लैंक पर मौजूद है, यूएनपीएल के हाथ में रहेगा एंड शॉट गन लेके भले ही सही बढ़ाते हैं आगे। जेली को नॉकआउट करने की हार्दिक कोशिश चल रही है, एक एडमिनो भी नीचे से कवर फायर डालते हैं, जीगॉट हो जाते हैं नॉकआउट, शैडो भी हो चुका है नॉकआउट। इसी बीच में शैडो अभी भी बने हुए हैं लेकिन फाइट में जीगॉट को क्या कंफर्म किया जाएगा? शैडो को भी नॉकआउट किया गया है, जेली और उनके साथ साथ अभी बने हुए एडमिनो, यही दोनों प्लेयर्स को क्लच गॉड को खत्म करके रिवाइवल देना पड़ेगा। गो एंड क्लच गॉड भी आर मानो मेरे में से तो है नहीं, जॉनसन वापस से देखिए हीरा कर चुके वो रिवाइवल के बाद एंड इसी के साथ आएगा। अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि और स्पोर्ट्स हो जाती है एलिमिनेट एंड गॉड लाइक विदाउट एनी कैजुअल्टीज 5 फिनिश पॉइंट्स लेके अभी भी इस फाइट में बनी हुई है। गॉडजिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पर काइलो को नॉकआउट किया है तो गॉडजिन के साथ भी एक और फाइट जो है इनिशिएट हो चुका है। इंगेज करने के लिए कंपाउंड बहुत क्रूशियल है वो उनको पता है बट क्या गॉडलाइक अपने फ्लो को कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ सोल भी आगे बढ़ रहे हैं। जरूर सोल तो आगे बढ़ी रहे लेकिन देखिए टीम तमिलास की टीम भी इसी पोजीशन में आने का एक चांस ले सकते हैं। टीम सोल ऑन द अदर साइड हमने देखा था वो कहां पर गटका में होल्ड कर रहे थे बिल्कुल 8-bit एंड फ्री फायर आता है, ड्रॉप शॉट दिया जाएगा लेकिन रिटर्न में ट्रेड भी आने वाला है, दैट इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक गोल का ऑक्टेवियस बट ये काफी नहीं रहेगा। शैडो बाहर है, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। गॉब्लिन इसी बीच में मैंटी को नॉकआउट करने वाले, टीम तमिलास में बात कर रहे थे देखिए वो भी आएंगे सर्कल के अंदर एंड उनको पनिशमेंट जो मिलने वाला है ऑक्टेवियस रिवाइवल दे देते हैं। ऑक्टेवियस के पास घर का कंट्रोल रहेगा, जॉनथन गेट्स क्लीन्ड ऑफ, कोई भी रिस्क नहीं एंड क्या यहां से कोई एक अच्छा मूव दिखा पाएंगे गॉडलाइक की टीम? जी गॉड ओपन में है, शैडो भी ओपन में थे एंड हमने देखा था क्लच गॉड जो है वो निशाने एंड निगाहें दोनों उनकी थी जो वो है मेडल स्पोर्ट्स के टॉप डॉग के ऊपर। जी गॉड कवर में आना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकते, स्मोक के बाहर जाएंगे तो दूर से शॉट्स पड़ने वाले, इनसे हर्ष जो है शॉट्स लेते, टीम वेरिटी एलिमिनेट हो जाती इसी बीच में एक ही फिनिश पॉइंट के साथ। And I believe अपना खिलाड़ी क्यों होता है उसके पास है फिनिशेस और मिलेंगे और सामने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंड दिस पोजीशन वो बहुत ज्यादा खुश भी रहेंगे इसकी वजह से। टीम को चारों खिलाड़ी क्यों होता है उसके पास है फिनिशेस और मिलेंगे और सामने है बट गॉब्लिन उसको चांस नहीं देने वाले, ओमेगा एकदम से हो जाएंगे, ये मुश्किलों में डाल सकता है टीम सोल को, ओमेगा का यहां लॉस हो सकता है। पीछे से ओडिन अभी भी मौजूद है एंड ही स्टिल मेक इट द डिफरेंस। देखिए ओडिन ही नहीं सही, पीछे ग्लैडिएटर्स की टीम जो है ना दूर से वो शॉट्स ले रहे हैं एंड उनके लिए एक बेसिक टारगेट प्रैक्टिस है, दूर से शॉट पड़ेगा, ओडिन हो जाते हैं कंफर्म। इसी बीच में अक्षत आ जाते हैं गॉब्लिन को पिकअप करने के लिए, उनको पिकअप करके अगर निकल जाते बढ़िया रहेगा बट टीम तमिलनाडु के ऊपर शॉट दिया जाता है। शैडो इसी बीच में बीएनटी के प्लेयर क्या तो नॉकआउट हो जाएंगे एंड गॉब्लिन को अपना अकेले ही बीएलटी की टीम निकल
डाल के जा सकती है एंड आई थिंक वो डैश भी करने वाले हैं एम बॉट दे गोइंग इन फॉरवर्ड ओमेगा कंफर्म हो चुका है अक्षत लॉक्ड आउट है अकेले एक प्लेयर क्या कुछ कर पाएंगे आई थिंक टीम सोलिड कौन नहीं अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं अक्षत नॉकआउट होकर जरूर पड़े हुए बट ये पुश जो है वो आ रहा है फिलहाल के लिए टीम तमिलास के ऊपर ही सही टीम तमिलास को अगर यहां से फ्लश आउट किया गया तो जाके एक बहुत बढ़िया एंड बोल्ड मूव रहेगा बट क्या आइडिया है वीएलटी को कि ये फाइट यहां पर समाप्त नहीं होने वाली देखिए गोब्लिन आल्सो गेट्स ब्लेड आउट अक्षत भी हो जाते हैं कंफर्म आई थिंक दैट्स टीम सोल आउट यस टीम सोल वाइप आउट हो जाते हैं एंड संयम के साथ साथ आई बिलीव इट्स आई हैव द सर्कल एडवांटेज एंड देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल पे ऑलरेडी वीएलटी की तरफ से संयम जो है वो पोजिशन लेके रखे हैं वेलोसिटी गेमिंग जिस तरीके का गेम दिखा रहे वो बेशक काबिल तारीफ है टीम का मिलास को भी एलिमिनेट किया जाएगा राइट नाउ आईएनएस वर्सेस वेलोसिटी गेमिंग का ये ग्लैडिएटर्स का ये फाइट होने वाला है यहां भी तो फिनिश आउट किया जाएगा फिनिशेस और भी निकाले जाएंगे डेल्टा पीजी मौजूद क्रॉस फायर सेटअप था उसी के साथ साथ आईएनएस का एलिमिनेशन नजर आएगा ब्रेकिंग फिनिशेस ग्लैडिएटर्स ये पूरा मैच अपनी तरफ कंट्रोल करते हुए नजर आई कब हुआ कैसे हुआ बोलते हैं ये कंट्रोल नहीं है मैच के ऊपर ये डोमिनेशन है मैच में जो ग्लैडिएटर्स की टीम दिखा रही है जीगॉट आ जाते हैं जोन में बड़े हो जाएंगे नॉकआउट एक बेहतरीन स्प्रे जीगॉट को भी नॉकआउट कर जाएगा जरूर बट इसी बीच में क्या रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा जी नहीं जीगॉट हो जाते हैं फिनिश शैडो आ रहे जोन के बाहर से अभी भी रेवेनेंट के फियर्स ऑन द अदर साइड एक ग्रेनेड लॉब आउट करेंगे एक बहुत ही हाईली टॉस ग्रेनेड था बट यहां पर आउट किया गया है प्लेयर्स को फियर्स जा तो रहे आगे फर्स्ट रन लगाने का टाइम नहीं मिलेगा निंजा जोन टीबीएस के साथ कंट्रोल करते हैं खत्म रेवेनेंट को गाड़ी से कुचला गया है एंड एक्वानॉक्स वो गाड़ी से कुचलने वाले खिलाड़ी बनते हैं शैडो जोन के बाहर से फिलहाल एम्बॉट को नॉकआउट करते हैं बट क्या इससे जोन कंट्रोल मिलेगा जोन में सबसे फायदे में ये लोग कौन रहने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी मेडल ईस्पोर्ट्स क्लब स्क्वाड बचे हुए हैं ऑक्टेवियस के ऊपर डाला गया जरूर एक मॉली विलेड भी है क्या होगा जी हां ही गेट्स नॉकआउट ओ माय गॉड क्लब स्क्वाड नहीं बच पाए escapes from the off angle insane की टीम से godlike को करेंगे eliminate 5 total finish points के साथ ये yeah.